हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई ये जो व्लॉग है ना, वो बहुत दिनों पहले का है और मेरे व्लॉग बहुत लेट लेट डल रहे हैं क्योंकि यार बाहर जो है बारिश का मौसम है। देखो मैं दिखाता हूँ, अभी भी बाहर पानी गिर ही रहा है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, भगवान ही जाने। तो ये जो व्लॉग है पहले का है, एक कबूतर के ऊपर है भाई। कबूतर को हमने उठाया था, वो उड़ नहीं पा रहा था, उसके पंख पे और पैर के पास बाइट कर लिया था, तो उसी के ऊपर है व्लॉग। तो उसको मेडिकेट वगैरह करी थी, थोड़ी सी दवाई वगैरह लगाई थी, तो आप चेक करें एक बार। तो भाई देखिए, कबूतर है जिसको बाज ने अटैक करा, जिसको थोड़ा सा पंख पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे और पाँव में कर रहा है। जिसका भी तो बहुत बुरी हालत में बार बार आके बंद करने जा रहा है, मतलब इस कंडीशन में था अभी से 15-20 मिनट पहले पकड़ा। हमें अच्छा नहीं लगा उस टाइम पर वीडियो वीडियो ऑन करके, फोटो ही दिखता ठीक है, ब्लॉग ऑन करना, बात नहीं कर लेंगे भाई। तो अभी थोड़ा सा ठीक हल्का सा चलने फिरने की हालत में हो गया था, तो मैंने इसको पकड़ा उठाया, वरना ये एक ही जगह बैठा था। देखो हिल तक नहीं रहा मेरे हाथ खुले होने के बाद भी, वरना अभी ऐसा फड़फड़ा रहा था ना, जब इसको ये सब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इसको पकड़ के दुकान से बाहर निकाल दे। फिर जब हमने मैंने देखा ना अच्छे से, तो उसके पर में पूरे में खून लगा हुआ था। अभी तो हल फिलहाल पानी से थोड़ा सा साफ हो गया, बाकी आपको दिख ही रहा है। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर शायद जी पाए। अब देखते, मैंने चिंटू से बोला है, बैक कैमरा वही है, उससे बोला है, तो वो अभी उसके घर से क्या बोलते हैं, गरम सरसों का तेल और वो लेकर आ रहा है हल्दी। क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगा कर पूछा था कि भाई बीटाडीन रखिए क्या, उसके पास ओरिजिनल बीटाडीन रहती है, उसके पास कुत्ता है इसलिए, मतलब वो थोड़ा सा डॉक्टर लेवल का ही है। उसने बोला नहीं भाई, एक काम कर, कौन सा कबूतर है उसने बताया। मैंने बोला भाई जंगली है, तो उसने बोला एक काम कर, इसको ले जा और घर पर ले जा के हल्दी और तेल लगा दे, और पानी बहुत तेज गिर रहा है, गिरना चालू हो जाएगा, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं इसका इलाज करते टाइम। अभी जा रहे हैं इलाज करवाने, अंकल दे रहे हैं दवाई। तेरा दोस्त हो गया बेचारा, तू ऊपर आसमान में उड़ रहा था ना, तो तूने उसको हटे गाड़ी का घाट के बैठे बोलन में जा रहा हॉस्पिटल में। यहाँ पे ही मारा उसको टॉर्चर, जहाँ लगी है वहाँ मैं ऐसे कर दिया, ये उधर होगा पंख, यहाँ अच्छे से पंख हटा के डाल दिया, पानी पी नहीं रहा ढंग से, थोड़ा सा पिया एक बार, पानी नहीं पी, पानी पिया कुछ भी नहीं। नहीं वो यही है अंकल, पंखी है। अच्छा यही से तोड़ दिया, यही पकड़ा, यही पकड़ा उसने, ब्लड निकल गया। कर सीधा कर, निकाल पैर बाहर, और नहीं
ट्रीटमेंट। अरे मत मार मत मार, सोच मत पड़ा बेटा, रुक जा, हाँ नहीं खींच रहा नहीं खींचा, देख रहा गाइस कितने तेज तड़पड़ा रहा है। इसमें हमने बीटाडीन लगवा दिया इसके हाथ पैरों में, बहुत ज़्यादा इसको जलन हो रही है और मेरे ख्याल से शायद पैर के और अंदर तक लगी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी नहीं, मुझे पंख का ही डाउट था तो पंख पे बीटाडीन लगवा दिए। हाँ लग गया, इलाज भी, कैमरा बंद मत करो भाई। तो गाइस इसका इलाज भी करवा दिया, अब इसको रखना है कहीं सेफ जगह 2-3 दिन, जब तक इसके पैर में जख्म भरा ना जाए। तो अब या तो ये रखेगा, ये तो देखते हैं कुछ तो करेंगे, बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, वो तो हिल भी नहीं रहा, देखो फड़फड़ाएगा। देवांशी रखेगा, उसके देवांशी रखेगा, उसी के घर पे देंगे। तो अभी जा रहे हैं हम इसको कहीं छिपकर जगह छोड़ने। इस जगह से सेफ जगह कुछ नहीं है, मंदिर। फाइनली उसको आज़ाद करा हमने अंदर, हमारे पंडित जी ने बोला कि इसको अंदर ही छोड़ दो, इस जगह से कोई सेफ जगह नहीं। हाँ बेटा यहाँ बैठे रहे, आराम से बैठे रहे, मंदिर में जितना डोलना डोल, पूरा मंदिर तेरा। क्यों भाई, सही बात है ना। चलो जा रहे हैं जब हम घर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कबूतर कहाँ चला गया, उस दिन भी मैंने यही टी शर्ट पहन रखी थी और अभी मैं सो के उठा तो मैंने सोचा यार ब्लॉग एडिट करके भाई डाला जाए फटाफट से, क्योंकि ब्लॉग बहुत डिले चल रहे हैं। हाँ डिले चल रहा है और गणेश जी का टाइम आने वाला है भाई, गणेश जी बिठाएंगे तो उसके पूरे 11 दिन के कंटिन्यू 11 व्लॉग्स मिलेंगे आपको, और कुछ शुरुआत के भी मिलेंगे, कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं सब कुछ। और जो ये कबूतर था इसको हमने मंदिर में छोड़ दिया था, मंदिर में छोड़ने के बाद भाई ये शाम तक उस मंदिर से गायब हो गया था, गायब हो गया, उसके बाद ये मिला नहीं। और ये ब्लॉग 15 अगस्त वाले दिन का है, सॉरी 15 अगस्त के पहले का, 14 तारीख का है। ये वहाँ से गायब हो जाने के बाद बिल्कुल नहीं मिला, शायद उड़ गया, पंडित जी कह रहे बाहर आया और छत पे गया, मतलब मंदिर की जो छत है वहाँ पे गया, उसके बाद से वो वहाँ से उड़ गया क्योंकि दिखा ही नहीं था भाई। अच्छी बात है उड़ गया, उड़ने लगा था वो इतनी जल्दी, पर कैसे ये मुझे नहीं पता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।